जय हिंद। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो है एक समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ए बी सी कोनों पर, वर्टिक्स ए बी सी पर आवेश क्रमशः रेस्पेक्टिवली प्लस टू ए क्यू एंड क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस क्यू एंड क्यू रखे गए हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण त्रिभुज के परिवृत्त केंद्र पर, यानी त्रिभुज का जो ये सेंटर है ओ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तब बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा होगी। देन वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी सी पर क्रमशः रेस्पेक्टिवली, ए के ऊपर तो है प्लस टू क्यू, बी के ऊपर है प्लस क्यू और सी के ऊपर है प्लस क्यू आवेश चार्जेस रखे हुए हैं। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्लस क्यू आवेश के कारण ओ बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज के कारण एट पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, कैपिटल ई है, यानी प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण ये जो ई बी है ये कितना है ई, और ऐसे ही प्लस सी के कारण यहां पर कितना है ई, लेकिन प्लस क्यू के कारण ई है और ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ए पर कितना है टू क्यू, तो ई डैश बराबर के टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर टू के क्यू अपॉन आर यानी टू ई। तो प्लस टू क्यू है तब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा टू ई हो जाएगा। तो यानी ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा टू ई। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये तो है टू ई ए के कारण, ये है ई और ये है ई। ठीक है, ई ई हो गया है। अब देखिए जो हमने एग्जाम्पल किया था फिर से हम बता देते हैं। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये 30 हो गया, ये हो गया 90, तो ये हो जाएगा 60। ऐसे ही इस पे लंब डालेंगे, ये 30 है ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 60, यानी ये एंगल 120, ये भी एंगल 120 और ये भी एंगल 120। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों के कारण, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा जब दो सदिश पूंछ से जुड़े हुए तो रिजल्टेंट निकलेगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं ई बी सी। तो ई बी सी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ क्या है ई और ई, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई इंटू ई और कोस 120 डिग्री। तो अभी हमने ये सॉल्व किया था, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर और कोस 120 का मान माइनस वन अपॉन टू, तो ये टू से टू कट जाएगा, माइनस ई स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ई बी सी और ई बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ई स्क्वायर और ये आ जाएगा ई। यानी इसका और फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए तो ए से ओ की तरफ है टू ई, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आया ई, रिजल्टेंट कितना आया ई, तो जो रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा टू ई माइनस ई बराबर ई। ये तो परिमाण हो गया, रिजल्ट हो गया। डायरेक्शन किधर रहेगी, ये ज्यादा है मतलब ओ ए से ओ की ओर, डायरेक्शन रहेगी ए से ओ की ओर। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम्स में, बस हमें क्या आना चाहिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंपोनेंट निकालने आने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे वन बाय वन, ताकि टाइम भी कम लगे और ऑडियंस रिटेंशन भी हमारा सही है। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।